नमस्ते गाइस, आशीष है फ्रॉम नमस्ते टेकर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पोको M5 के फीचर्स, इसके फ़ोन में आपको क्या क्या मिल रहा है और इसके टिप्स एंड ट्रिक्स भी इंक्लूड करेंगे जो आपको फ़ोन यूज़ करना और बेहतर बना देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो होम स्क्रीन तो सिंपल है काफ़ी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और आपको ऐप ड्रॉअर मिलता ही है। यहाँ पे जब आप ओपन करोगे तो सर्च आ जाएगा, क्विक एक्सेस ऐप दिखाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक्शन सेंटर से। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ऊपर मिलेगा स्क्रीन रिकॉर्डर। स्क्रीन रिकॉर्डर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में हेल्प करेगा। कुछ भी आपको रिकॉर्ड करके किसी को भेजना है आप कर सकते हो, रिकॉर्ड का बटन दबाओ, उसके बाद यहाँ जो भी करना है वो आप कर सकते हो। एक बार एंड हो जाएगा उसके बाद आप इसको स्टॉप कर लो, दो बार दबाना पड़ता है, या तो लॉक बटन दबा के भी आप लॉक कर सकते हो। इसकी अगर सेटिंग्स क्विकली देखें तो आप यहाँ पे रेजोल्यूशन, वीडियो क्वालिटी, ओरिएंटेशन, साउंड सोर्स, फ्रेम रेट, लॉक स्क्रीन टू एंड, टच गेस्चर और बटन टैप्स को डिसेबल इनेबल कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्लोटिंग ऐप की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर फेसबुक का ऐप लॉन्च करता हूँ, या अगर आपके पास मैसेंजर है तो आप मैसेंजर लॉन्च कर सकते हो जो कि आप स्मॉल विंडो में यूज़ कर सकते हो। तो एक्शन सेंटर में आपको एक टॉगल मिलता है जिसको बोलते हैं फ्लोटिंग विंडो। जब आप ये यूज़ करोगे तो आपका वो जो ऐप है वो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लोटिंग हो गया, आप इसको कहीं भी रख सकते हो। यूज़फुल ये कॉन्वर्सेशन के ऐप्स में ही आता है। आप चाहो तो इसको टैप करके थोड़ा बड़ा व्यू कर सकते हो ताकि और क्लैरिटी हो जाए, और नहीं करना है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, दूसरे ऐप्स में जा सकते हो और ये अपने आप को ऑटोमेटिकली एक कोने में ले जाएगा। बंद करना है तो इसको सीधा सीधा आउटसाइड पुश आउट कर दो। अब बात करते हैं इसके सेटिंग्स की। तो हम एक्शन सेंटर खोलेंगे और सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जो मेजर फीचर्स मिलते हैं, पहले चलते हैं लॉक स्क्रीन में। तो आपको लॉक स्क्रीन में क्या क्या मिल रहा है, एक तो आप स्लीप टाइम कॉन्फिगर कर सकते हो। डिस्प्ले में नहीं है, याद रखिएगा, अगर मान लो आपको टाइम आउट जो है वो बढ़ाना है, कम करना है, तो आप यहाँ चेंज कर सकते हो। रेस टू वेक यानी कि जैसे ही आप अपना फ़ोन उठाओगे ऑटोमेटिकली वो डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, तो आप क्विकली नोटिफिकेशंस वगैरह को देख सकते हो। डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन व्हेन डिवाइस इज लॉक। अगर मैं इसे ऑन कर देता हूँ और इसे लॉक करता हूँ, डबल टैप करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। इससे फ़ायदा यह है कि आपको बटन्स प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, दिस कैन बी अनोइंग क्योंकि स्पेशली रात को अचानक से कोई मैसेज आया और लाइट जल गया, आपको लगा कॉल आया। उसके बाद है लॉक स्क्रीन का क्लॉक फॉर्मेट, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। डिस्प्ले चार्जिंग एनिमेशन आफ्टर डिवाइस इज अनलॉक्ड, आप कर सकते हो। लॉन्च कैमरा, अगर आप शॉर्टकट से लॉन्च करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसमें आपको वॉल्यूम डाउन करना पड़ेगा और ये सिर्फ लॉक स्क्रीन से चलेगा, यानी कि अगर मैं इसे ऐसे प्रेस करता हूँ तो ये कैमरा, यानी कि डबल डाउन करना पड़ेगा वॉल्यूम बटन को, तो आप इसको लॉक कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले में आपको क्या क्या मिल रहा है, एक तो आप डार्क मोड लाइट मोड में चूज़ कर सकते हो। आप अगर डार्क मोड के फ़ैन हो तो आप चाहो तो इसको शेड्यूल भी कर सकते हो कि आपको कब से कब तक डार्क मोड चाहिए, कब से कब तक आपको वाइट मोड चाहिए। सनसेट के हिसाब से ये काम करेगा। और अगर आपको क्विकली डार्क मोड इनेबल करना है तो एक्शन सेंटर से आप डार्क मोड इनेबल भी कर सकते हो। मोर डार्क मोड ऑप्शंस, किस किस पर्टिकुलर ऐप के ऊपर आपको फोर्स करना है। एडजस्ट वॉलपेपर कर सकते हो डार्क मोड के लिए, टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली, ये सब ऐप पे आप फोर्स कर सकते हो कि हर समय ये डार्क मोड पे चले, चाहे आपका फ़ोन लाइट मोड में ही क्यों ना हो। ब्राइटनेस लेवल आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस या सनलाइट मोड के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कलर स्कीम आप चेंज कर सकते हो, अगर आपको वाइब्रेंट चाहिए तो आप वैसा कर लो, स्टैंडर्ड चाहिए वैसा कर लो, आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। नेक्स्ट है रिफ्रेश रेट। तो आपको यहाँ पे दो मिल रहा है, मैं सजेस्ट करूँगा आप 90 Hz ट्राई करके देखो। बैटरी भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट 90 Hz की स्क्रॉलिंग, स्पेशली जैसे फेसबुक का फीड, ट्विटर का फीड, व्हाट्सएप के लंबे मैसेजेस, उसको पढ़ने में बहुत मदद देता है। नेक्स्ट आप फॉन्ट और टेक्स्ट साइज दोनों चेंज कर सकते हो। फॉन्ट के लिए थीम वाला ऐप खोलेगा, फ्री थीम्स भी है, फ्री फॉन्ट्स भी है, आप उनको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, फ़ोन हो सकता है एक बार रीबूट हो। टेक्स्ट साइज आप चेंज कर सकते हो, अगर आपको बड़े टेक्स्ट की आदत है
तो आप उसको उसी हिसाब से एडजस्ट कर लो। नेक्स्ट चलते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन में। यहाँ पे कुछ एक फीचर्स हैं जो मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ कौन कौन से। एक तो व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड तब क्या होगा, नोटिफाई अबाउट कॉल्स फ्रॉम एनीवन, कोई पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट से ही, तो ये आपको स्पेशली बता देगा अगर आपका फ़ोन वाइब्रेट या साइलेंट में रहता है तो। नोटिफाई अबाउट रिपीटेड कॉल्स। उसके बाद एडिशनल सेटिंग में जाओ और यहाँ पे ये जो फीचर्स है ये सजेस्ट करूँगा आप इसको देखो, बिकॉज ये सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आप क्या कर रहे हो फ़ोन पे वो बता देता है, एक आइडिया देता है लोगों को, प्लस कई लोगों के लिए अनोइंग भी हो जाता है, उनको हर समय टाइप की आवाज़ है, पब्लिक में बैठे हो टाइप हो रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ साउंड हो रहा है, नहीं पसंद है, तो आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर पे। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो कि आपको कंट्रोल सेंटर स्टाइल कैसा चाहिए, पुराना वाला चाहिए या नया वाला चाहिए, आप कर सकते हो। अगर आपको पुराना स्टाइल ज़्यादा पसंद है तो यहाँ से चेंज कर लो। आइटम शोन ऑन द लॉक स्क्रीन आफ्टर स्वाइपिंग डाउन किस तरह का चाहिए आप चेंज कर सकते हो। स्मार्ट होम डिसेबल इनेबल कर सकते हो। स्टेटस बार, यहाँ पे आप आइकन्स का नोटिफिकेशन, स्पीड का नोटिफिकेशन इनेबल कर सकते हो। कैरियर वॉच डिसेबल कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो। बैटरी इंडिकेटर है वो आपको कैसा चाहिए, परसेंटेज अंदर चाहिए, बाहर चाहिए या सिर्फ बैटरी का आइकन चाहिए, आप वो भी कर सकते हो। नॉच हाइड करने का ऑप्शन है बट ठीक है। नोटिफिकेशन शेड्स को भी आप कॉन्फिगर कर सकते हो पुराना स्टाइल या नया वाला स्टाइल में। नेक्स्ट बात करते हैं होम स्क्रीन की। यहाँ होम स्क्रीन जो एक आप हर समय यूज़ करोगे उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो डिफॉल्ट लॉन्चर चेंज कर सकते हो। ऐप ड्रॉअर में आपको क्या चाहिए, आपका सजेशन चाहिए, मैनेज ऐप कैटेगरीज, स्क्रॉल बार कैसा होना चाहिए, प्लेस न्यू ऐप ऑन होम स्क्रीन चाहिए या नहीं चाहिए, बिकॉज हर समय डालो हर समय आ जाता है तो बहुत भीड़ हो जाती है। उसके बाद हाइड ऐप आइकन्स है, इन ऐप क्वेरी मोड है, यानी कि ऐप के अंदर की क्वेरी, कोई चीज़ ऐप के अंदर उसके बारे में भी सर्च कर सकते हैं। ओपन सर्च आफ्टर ओपनिंग ऐप ड्रॉअर, ये जो सेटिंग है बताता हूँ कहाँ से आ रहा है। आपने जैसे ये ओपन किया और ये तुरंत एक सर्च बॉक्स आ गया, कई लोगों को ये कन्वीनियंट लगता है बिकॉज तुरंत फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऐप और एक क्विक सर्च भी मिल जाता है। इन केस आपको नहीं पसंद है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐप ड्रॉअर में जाओ और आप इसको डिसेबल कर दोगे तो वो चीज़ नहीं आएगा। कलर्स के हिसाब से भी आप ग्रुपिंग कर सकते हो, जो बहुत ही अच्छा फीचर है। उसके अलावा आइकन साइज आप चेंज कर सकते हो, आपको बड़े आइकन्स अच्छे लगते हैं तो वो कर लो। स्क्रीन लेआउट 4:6 हो या 5:6 हो, कम या ज़्यादा आइकन्स, ग्लोबल आइकन एनिमेशन, डबल टैप टू लॉक स्क्रीन एक अच्छा फीचर है। अगर आपने इसे इनेबल किया तो उसके बाद आप डबल टैप करो लॉक हो जाएगा, लॉक बटन की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और ये तो फीचर मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। उसके अलावा मेमोरी स्टेटस, आप अगर मेमोरी कितना यूज़ हो रहा है वो आप देखना चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पे दिखाएगा कितना GB ऑफ रैम यूज़ हो रहा है। ब्लर ऐप प्रीव्यूज़, ये एक अच्छा फीचर है बिकॉज अगर आपको लगता है कोई ऐप्स में आपको प्राइवेसी मेंटेन करनी है, जैसे कि सपोज फेसबुक में मेंटेन करना है, तो मैं फेसबुक के लिए इसको इनेबल कर देता हूँ। अब क्या होगा, जब आप फेसबुक का ऐप लॉन्च करोगे तब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉन्च कर लो। अब अगर मैं मल्टीटास्किंग में जाता हूँ तो देख सकते हो कि वो ब्लॉक हो गया उसके अंदर का कंटेंट। तो यही चीज़ है, अगर आपको ऐप प्रीव्यूज़ मल्टीटास्किंग के समय ऐप प्रीव्यूज़ का कोई डिटेल नहीं दिखाना है तो आप इसको यूज़ करो। नेक्स्ट चलते हैं बैटरी में। तो बैटरी में आपको बैटरी सेवर, अल्ट्रा बैटरी सेवर ये सब मिलता है, आप देख सकते हो ऐप्स कौन कौन से ज़्यादा कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं ऐप्स में। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड है, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन एक फीचर अच्छा है वो अनइंस्टॉल्ड सिस्टम ऐप। अगर आपने कोई ऐसा ऐप जो कि एक सिस्टम ऐप है उसको अनइंस्टॉल कर दिया है तो आप यहाँ पे उसको आके रीस्टोर कर सकते हो, जैसे फोर्सफुली किसी ने कर दिया हो कुछ टूल, कुछ अलग ऐप यूज़ करके, तो ठीक है। उसके बाद ड्यूअल ऐप्स, यहाँ पे आप एप्लीकेशंस को डुप्लीकेट कर सकते हो। आपने नोटिस किया होगा जब मैं यहाँ पे फेसबुक सर्च कर रहा था तो यहाँ पे मेरे पास दो फेसबुक का ऐप है। उसके अलावा आप यहाँ पे ऐप लॉक भी यूज़ कर सकते हो। ऐप लॉक क्या, अगर किसी ऐप को आपको लॉक करके रखना है, जैसे मैंने क्रोम और फेसबुक दिया, तो अब मैं अगर क्रोम लॉन्च करता हूँ तो मुझसे यहाँ पे पैटर्न पूछेगा, फिंगरप्रिंट पूछेगा, फेस से अनलॉक पूछेगा, तो इसका आप जो नोटिफिकेशन है वो भी हाइड कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है ताकि किसी को कुछ पता ही नहीं चले। जैसे देख सकते हो हाइड कर सकते हो आप नोटिफिकेशन, उसके बाद फिंगरप्रिंट को यूज़ कर सकते हो, फेस को यूज़ कर सकते हो, अलग अलग तरीके का ऑप्शन अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थे पोको M5 के फीचर्स जो आपको फ़ोन में मिल रहे हैं, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।